अजमेर के गंज थाना पुलिस ने 3.5 सालों से परिवार से बिछड़े सदस्य को एक बार फिर मिला दिया। अपने परिवार के सदस्य से मिलने के बाद सभी ने खुशी जाहिर की। इस मामले की जानकारी देते हुए दरगाह थाना पुलिस उपाधीक्षक पार्थ शर्मा ने बताया कि 3.5 वर्ष पूर्व फायसागर रोड के रहने वाले सतीश मेघवंशी कर्ज से परेशान होकर अजमेर छोड़कर गुजरात चला गया था। इस दौरान उसने अपने परिवार से भी संपर्क तोड़ दिया और वहीं गुजर बसर कर रहा था। इसकी रिपोर्ट सतीश की माँ और पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई। पहले गुमशुदगी के बाद दोनों ने अपहरण और हत्या की आशंका भी जताई थी। इस मामले में लगातार पुलिस ने सतीश को तलाशना शुरू किया और तकनीकी तंत्र से सूचना मिली कि सतीश गुजरात में गुजर बसर कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और सतीश को दस्तयाब कर उसे अजमेर लाया गया और अजमेर के गंज थाने में परिजनों को सौंप दिया, जहां परिजनों ने सतीश के मिलने पर खुशी जाहिर की और इस मामले में पुलिस का धन्यवाद भी दिया। एक्चुअली सतीश मेघवंशी पहले यहाँ अखबार वितरण का काम देखते थे। इस दौरान वो किसी बात को लेकर के वो यहाँ से गुजरात की तरफ कहीं चले गए थे, तो परिवार जनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में वो गुमशुदगी पर उनका देखते हुए कुछ परिवार जनों ने कुछ लोगों पर आशंका व्यक्त की थी कि कोई अखबार से संबंधित लोग हैं जो इसका अपहरण करके ले गए हैं। हमने इस संबंध में गहनता से पूछताछ की, गहनता से जानकारी प्राप्त की, तो हमें यह संज्ञान में आया कि ये आदमी पर्टिकुलर उस समय कुछ परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ से ये उस जगह को छोड़ करके बाहर चला गया और बाहर जाकर के इस आदमी ने दिहाड़ी मजदूरी की। इस दौरान इसके परिवारजनों से भी इसने संपर्क नहीं किया, तो परिवारजन इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे और इन्होंने कुछ लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया था। लेकिन हमने तफ्तीश में देखा कि इसका अपहरण हाथ नहीं था, पर्टिकुलर उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए ये अजमेर छोड़ करके बाहर चले गए थे। अब और हमने तकनीकी सहायता, मानवीय सहायता और मुखबिरी के थ्रू इनको पता करवाया है। मेरी टीम का बहुत योगदान रहा, भागचंद जी का और इस मामले में जो महेश जी हैं उनका, मनोज जी का और शैतान जी का, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और विशेषकर SP साहब ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने स्पेशली कहा था कि बोले आप लोग इस मामले को बहुत जल्दी से निपटाएं और अथक प्रयासों के बाद में हम इनको आज अपने परिवारजनों से मिलाने में कामयाब हुए। शुक्रिया।